है वो शुरू करते हैं। मैं वन बाय वन हमारी मीटिंग में जो लोग हैं उनसे उनके इस जो हमारा इंस्टीट्यूट है जो सर से जुड़े हुए हैं उनसे उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं जानूंगा। तो सबसे पहले मैं जो सचिन भैया है सचिन पांडे जी मैं उनसे उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कि किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा और पहले क्या समस्याएं थी उनकी और अब किस तरह उनमें इम्प्रूवमेंट आया है। तो सचिन जी प्लीज आप अपना माइक ऑन कीजिए और अपना एक्सपीरियंस रखिए। जी जी मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा कि मैंने सर का वीडियो देखा यूट्यूब में और वीडियो को देख के मैंने मेरे अंदर उतना है ना बहुत सारा विश्वास आ गया और फिर मैंने एक कोर्स क्या ज्वाइन किया और एक महीने के बाद ही मैं सबके सामने बोलने लगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ मैं 5-6 आदमी के सामने मैं नहीं बोल सकता था अभी मैं 8-10 आदमी के सामने मैं बोल सकता हूँ उतना मेरे को फायदा हुआ। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सचिन जी आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रखा। देखिए कहा जाता है कि विश्वास पर तो दुनिया कायम है और आपने अपना विश्वास सर पे रखा और आज जो परिणाम है वो आपके सामने है। उस तरह यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने जो विश्वास सर पे किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं उनकी सबकी जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए। अब मैं बात करूँगा दीन इस्लाम जी से कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा सर के साथ। दीन इस्लाम सर मैंने सर का वीडियो देखा था यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखा था तो पिछले साल में बाद में मैंने जाके सर का वहाँ क्लासरूम थेरेपी ज्वाइन किया। ओके जनवरी में क्लासरूम थेरेपी ज्वाइन किया ज्वाइन करने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मतलब मेरा अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत हद तक बढ़ चुका है मतलब और जो मेरा अंदर नेगेटिविटी थॉट था वो अभी खत्म हो गया और मैं बहुत अच्छा से बोल पा रहा हूँ आप लोगों के सामने। पहले मैं जैसा व्हाट्सएप पर ऑडियो होता है कॉल मैसेज वो और एक भी मैसेज नहीं दे सकता था बाद में जब सर का वहाँ ज्वाइन किया स्टेबलिंग ग्रुप में बाद में मैं कुछ भी कर सकता हूँ वीडियो कॉल पे भी बात कर सकता हूँ और व्हाट्सएप कॉल पर भी बात कर सकता हूँ और मैसेज भी कर सकता हूँ ऑडियो में तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। थैंक यू इस्लाम जी और आपसे मेरा एक आपसे एक बात कहूँगा मैं आप चाहे तो कुछ एक मोटिवेशनल कोट आप चाहे तो कुछ मोटिवेशनल कोट या मोटिवेशनल लाइन है हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए जो आपको अच्छी लगती हो वो बोल सकते हो कुछ मोटिवेशनल क्या हमारे अंदर मतलब अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं सारा दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए हमारा सेल्फ को कॉन्फिडेंस आना चाहिए जैसे कि हम ये कर सकते हो हम किसी के सामने भी बोल सकते हो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आना चाहिए। तो थैंक यू इस्लाम जी हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम आगे चलते हैं जैसा कि इस्लाम जी ने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हर व्यक्ति में होना चाहिए चाहे आप किसी भी पद पे कार्य कर रहे हो या किसी भी एज में हो। अब हम बात करते हैं अजेंद्र जी से। अजेंद्र जी प्लीज़ अपना माइक ऑन कीजिए और आप अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस सर के साथ में कि कैसा रहा आपका अनुभव और कैसा फील कर रहे हो आप। जी जी मैं 2020 में जनवरी से मैं इनके वीडियो वगैरह सब कुछ देख रहा था तो मैं क्या 3-4 महीने तक वीडियो देखे सर के मुझे पहले तो यकीन नहीं हो रहा था मैं कैसे करूं क्योंकि आजकल लोग ऐसे हैं कि उनको जो स्पीच के वो करते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता है कहीं भी जाते हैं ना बंदे उनके यहाँ पे तो उनका काम नहीं हो पाता क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्पीच थेरेपी करके आ चुका हूँ तो मेरी आवाज कुछ थोड़ी ठीक हुई लेकिन मैंने वीडियो सर के देखे 3-4 महीने लगातार तो मेरे को लगा कुछ कि हाँ बात ठीक है इधर तो मैंने फिर एक बार सर से बात करी मैंने बोला सर मेरे को ये कर
आपसे बात करनी, और पैसा वैसे का क्या है सर आपका, तो बताया सर ने, बोला कि इतना इतना लगेगा, तो मैंने बात करी और मुझे 6 महीने कर चुका हूँ मैं थेरेपी, तो मुझे सॉरी फॉर इंटरप्टिंग आदर्श, एज अ मीटिंग ऑपरेटर आपको अधिकार है कमेंट करने का भी, अगर लगता है कोई रफ्तार किसी की फास्ट हो रही है या कोई ढंग से नहीं बोल रहा है तो यू शुड सजेस्ट, आपको जो सुझाव है वो देना चाहिए, क्या परिवर्तन वो करे अपनी आवाज के अंदर, किस तरह का चेंज रिक्वायर है अभी, ये अधिकार है बताने का आपको। ओके सर, आई कैन ट्राई। या अजंत कंटिन्यू। तो मैंने 6 महीने से मैं थेरेपी इसमें हूँ और मुझे काफी हद तक अंतर आया है, और मुझे ये लगता है कि मैं जैसे मेरे, आप थोड़ा घबरा रहे हैं, आप आराम से बात कीजिए, मैं छोटा भाई हूँ आपका, आप ऐसे बात कीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी घबराहट आपकी आवाज में, थोड़ी जल्दबाजी आपकी आवाज में दिख रही है मुझे। जी, घबराहट तो आ ही जाती है क्योंकि मतलब इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं ना बोलता रहूंगा, ठीक है, अटकता रहूंगा, लेकिन मैं किसी के ऐसे नहीं बोलूंगा कि बोले मैं इसको बात करी तो मैं चुपचाप आ जाऊँ वापस ना बात करूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है जी सर, मैं जाऊँगा, बात मेरी होगी तो ठीक है, नहीं मैं फिर बात सामने वाले को, मेरा मेन मतलब है कि सामने वाले तक, बंदे तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए, ठीक है सर। जी सर कैसी भी हालत में, ठीक है जी। जी सर, हाँ, और बाकी मुझे काफी अच्छा लगा है सर से। ऐसा अजेंद्र, दो लाइन बोलना चाहूंगा अजेंद्र आपको मैं कि मुझे पता है आप बिंदास बोलोगे, चुप रहने का रिस्क नहीं होगा, मुझे पता है आप बिंदास बोलोगे, चुप रहने का रिस्क नहीं होगा, पर इस कदर बोलोगे तो किसी को आपसे इश्क नहीं होगा। थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करें।